कानपुर गोविंद नगर निवासी धर्मराज की बेटी पिछले 14 दिन से लापता थी, जिसके बारे में परिजन जगह जगह भटक रहे थे। सुबह उनकी बेटी का फोन आता है अपनी माँ के पास कि मैं कानपुर जाजमऊ के जेके कॉलोनी पर हूँ। पिछले कई दिनों से मेरा पति घर नहीं आया, जिस पर माता पिता अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चकेरी हाईवे पर पहुंचे, जहां उनकी बेटी उन्हें खड़ी मिली। जिसको लेकर आने के बाद बेटी से परिजनों ने पूछताछ की तो उनकी बेटी ने बताया कि उनके किसी आरिफ नाम के साथ थी, जिसके साथ वो पिछले कई दिनों से रह रही थी। आरिफ उसको यहाँ से लेकर सलेमपुर गया था, जहाँ पर मौलवी द्वारा उसको ताबीज़ और पड़ा हुआ पानी आदि दिया गया था। उसको ये बताया गया था कि उस पर भूत का साया है, अब इसके बाद भूत नहीं आएगा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस अधीक्षक दक्षिण दीपक भूकर ने बताया कि लड़की से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है, जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्यवाही निश्चित तौर पर की जाएगी। वहीं बजरंग दल के लोगों का कहना है कि ये लोग भोली भाली लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और उनको किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तित कराकर हिंदू समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। निश्चित तौर से वो लोग हिंदू समाज की रक्षा के लिए सामने आए हैं, जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरकर इन लोगों को इस तरह के दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक लड़की को पेश किया, प्रस्तुत किया, जो पिछले 7 दिनों से अपने घर से लापता थी और आसिफ साह नाम का एक जाजमहू में रहने वाला मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, जो इसको भगाकर बहलाकर फुसलाकर ले गया था। इनकी माताजी ने हमसे बात की, तब इनको ले जाकर हमने रामा देवी से पकड़ा। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अजय मिश्रा जो साथ में थे, सब लोग थे, उन्होंने पकड़ा और एसपी साहब के सामने प्रस्तुत किया। ये सामान्य व्यक्ति, ये सामान्य विषय नहीं है, ये वास्तव में हिंदू समाज को तोड़ने का विषय है और हिंदू समाज के ऊपर षड्यंत्र का विषय है। लव जिहाद आतंकवाद का ही दूसरा प्रारूप है कि हमारे समाज की भोली भाली लड़कियों को, कन्याओं को बहलाकर फुसलाकर भगाकर ले जाना, उनको मानसिक रूप से मस्जिदों के मौलवियों के द्वारा यत्न करना और उनको मानसिक रूप से अपने धर्म से विमुख करना, अपने परिवार से विरुद्ध और आचरण। ये लड़की ने जो बताया कि वो आसिफ शाह नाम का व्यक्ति था, जो उसको बारा देवी चौराहे से अपने घर ले गया था जाजमऊ और 7 दिन अपने साथ रखा। नफीस शाह नाम का व्यक्ति था जो अपने साथ ले गया था। इसको कहाँ से बरामद किया? इसको हमने रामा देवी चौराहे से बरामद किया। ठीक, नमस्कार। एक लड़की है, उनके पेरेंट्स आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो लड़की है कुछ दिन पहले चली गई थी किसी के साथ और आज वो तहरीर देने पहुंचे हैं थाने पे। जो तहरीर दी है उसके हिसाब से हम FIR दर्ज कर रहे हैं। लड़की जो है वो उनके पेरेंट्स के पास आ चुकी है और FIR दर्ज करके हम आगे की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लड़की को मस्जिद में ले गए तो उसको फूल मंगाया, पानी पिलाया गया वहाँ पर और उसके सामने काफ़ी महिला फुसला के उसका धर्म परिवर्तन। ये अभी उनके पेरेंट्स के द्वारा यही जो है वो तहरीर में भी दिया जा रहा है, इसमें हम FIR दर्ज कर रहे हैं और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जो लड़की है, चूँकि वो बालिग है, तो हम उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके उनके 164 के बयान भी करवाएं। सर, SIT का गठन हुआ है लव जिहाद के जुड़े मामलों को जांच करने के लिए, वो जांच आपको भी मिली है, जिस तरह से लगातार ही मामले आ रहे हैं, तो इस पर इस मामले को भी क्या जोड़कर देखा जा रहा है? इसमें एक जांच मुझे दी गई है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है और उसमें भी मैं जल्द ही जांच करके अपनी रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी हैं उनके सामने प्रस्तुत। लड़की का क्या नाम था, क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये जो लड़की है ये गोविंद नगर की रहने वाली है, इनका मुस्कान नाम बताया है और ये बालिग है।